हेलो देयर एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम इम्पोर्टेंट साइंस के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, बिकॉज देखिए हमारे पास टाइम कम है बच्चों। ठीक है, टाइम कम है और कम समय के साथ अगर हम सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करें तो वो कैसे हम सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लें कि सब कवर हो जाए उसमें, राइट? तो आइए आज हम उस पर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ आपसे बात करना चाहेंगे, जैसे कि अगर आप CBT 1 की तैयारी कर रहे हो ना अच्छे से, तो आई थिंक आपको ये किताब लेनी चाहिए बच्चों, RRBJEE CBT 1 Navigator। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके पास ना जो आपको सवालों का जत्था, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपके नॉन टेक में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो भी सारे सॉल्व VIQs हैं, वो सब आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, वो सब आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। ठीक है, 28 28 सॉल्व पेपर्स हैं और उसके साथ ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, एक हम लोग डेटा लिए, क्वेश्चंस का डेटा। देखिए ये बुक कैसे बनाई गई है, ये बुक रिपीटेड क्वेश्चन से नहीं बनी। ठीक है, जैसे कि आप और कोई पब्लिकेशन किताब देखोगे तो उसमें रिपीटेडली हर जगह की चीजें बार 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 वही वही चीज के फालतू का मोटाई उस किताब की बढ़ाई गई है, लेकिन नहीं, इसमें नहीं है ऐसा। इसमें हम लोगों ने क्या किया, इसमें पूरे स्ट्रक्चर बनाया सवालों का, सवालों को वो किया छटनी की, मतलब एक्सेल शीट में जाके उसके बाद वो स्क्रूटनी किया कि ये सवाल आने वाला चांसेस है। तो ऐसे ऐसे सवालों का जो जत्था है ना, 3792 क्वेश्चंस का वो पूरा कलेक्शन बन रहा है। तो आपको इसको एक महीने में तो खत्म आराम से कर सकते हो, विद सॉल्यूशन है। आप जाके इसका डेमो ले सकते हो, एंड वहां पे आप जाओगे तो डेमो ले सकते हो लिंक में जाके, सैंपल पेपर में, सॉरी सैंपल फ्री सैंपल में आप जा सकते हो गूगल ई बुक में, तो वहां पे आपको मिल सकता है। ये CBT 1 के लिए है, 222 इसका प्राइस है। ठीक है, बहुत नॉमिनल प्राइस है, एंड आई थिंक आपको इसे करनी चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप, हमको लग रहा है कि कुछ महंगी चीज, कुछ अच्छी चीज छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अपने प्रिपरेशन को एज देने के लिए, क्योंकि कम समय में ये बुक काफी लाभदायक होगी। इसके बाद RRBJEE CBT 2, जो लोग सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और ये सब चीज की तैयारी कर रहे हैं, तो CBT 2 के लिए हमारे पास 4102 क्वेश्चंस का 333 में। ठीक है, 333, जिसमें GST आपको नहीं देना, गूगल ई बुक के फॉर्म में मिलेगा। 15 सॉल्ट पेपर्स हैं, उसमें क्या था, 28 थे, इसमें 15, बिकॉज टेक्निकल तो कम ही है, तो आप ये जाके रेफर कर सकते हो। आई थिंक दैट आपको पढ़ाई अच्छे से करना चाहिए, बिना किसी डिस्ट्रेक्शन के सब साथ आपको लगना चाहिए। एंड आइए आज फिर कुछ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं कि वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे फॉर फिजिक्स। जैसे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ओके? तो हम फिजिक्स की बात करेंगे बच्चों, सबसे पहले कि फिजिक्स में क्या इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में जब आप देखोगे कि फिजिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको लिस्ट डाउन कर दे रहा हूं। ठीक है, आप इसको रेफर करो, एंड आपको रेफर करना ही चाहिए बिकॉज ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ उसमें आएंगे ना इंपॉर्टेंस में, तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है लाइट एंड ऑप्टिक्स। ठीक है, इसमें जो केसेस बनते हैं ना, जैसे कि मिरर यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, मिरर यहाँ पे रखा हुआ है, तो बताओ यहाँ पे जो प्रिंसिपल फोकस है वो क्या कर रहा है, ऐसे जा रहा है तो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये सारी चीजें, इसका सारा कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए। और ऑप्टिक्स में आपको, और स्नेल्स लॉ जो इसमें होता है ना, आप, आई होप कि आप ये सब अपने कॉपी में लिख रहे होंगे, मैं टैब में लिख रहा हूँ, आपको अपनी कॉपी में ये सब नोट डाउन करना है। स्नेल्स लॉ क्या करता है, मिरर फॉर्मूला हो गया, ठीक है, मिरर फॉर्मूला हो गया, लेंस फॉर्मूला हो गया, ठीक है, तो ये सारा फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, बिना इसके आपका कल्याण नहीं होगा लाइट एंड ऑप्टिक्स में। लाइट एंड ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मोशन, जो मोशन के न्यूमेरिकल्स, राइट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स, 3 इक्वेशन बनते हैं उसमें, तो उसको आपको कवर करके रखना है, मोशन के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बेसिक बेसिक ही आएगा, लेकिन आपको कवर करके रखना चाहिए। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला है ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v² - u² = 2a, सबको पता होता है, s = ut+, है ना, तो ये एक v = u+at, तो आपको ये कवर करके रखना पड़ेगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट लॉज हो गए, जैसे ओम्स लॉ क्या कहता है, ठीक है, ओम्स लॉ क्या कह रहा है,
और ईएमआई लॉ के, फराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला प्रिंसिपल है ना, ये सब सारी सारी चीजें, ये बेसिक बेसिक ही आपको पता रहना चाहिए। सेमीकंडक्टर किससे गवर्न होता है, कौन सा पारा मैग्नेटिक है, देखिए कौन सा पारा मैग्नेटिक है ना, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। पारा मैग्नेटिक है कौन सा है, तो ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे तो यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन आपको बनाना आता होगा ठीक है, अगर आप सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, सारे इंजीनियर्स को इसमें दिक्कत कम आती है, यूनिट डायमेंशन में आसान है। एंड उसके बाद आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, कौन सा क्या मेजर करता है ठीक है, एम मीटर कैसे काम करता है, वोल्ट मीटर कैसे काम करता है ना, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन की, यहाँ है रेजिस्टेंस लगा देंगे तो बताओ, यहाँ एम मीटर है तो बताओ क्या डिफ्लेक्शन आएगा ठीक है, अगर यहाँ रेजिस्टेंस लगा देंगे तो क्या, अगर है ना, तो ये सारी चीजें आपको देखिए, अगर यहाँ रेजिस्टेंस लगा देंगे तो क्या इफेक्ट आएगा एम मीटर में, कम रीडिंग लेगा ज्यादा लीटर की, व्हेन एम मीटर विल बिहेव एज वोल्ट मीटर, व्हेन वोल्ट मीटर विल बिहेव एज एम मीटर की, थोड़ा ज्यादा टफ सवाल हो गए, बट यस आपको इतना प्रिपेयर करके रखना है। तो फिजिक्स के लिए तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स हैं जिसको आपको कवर करके ही रखना। आते हैं अब केमिस्ट्री पे, केमिस्ट्री पे आपको क्या क्या करके रखना है, केमिस्ट्री पे देखिए, केमिस्ट्री पे ना आप लोग को सबसे पहले कवर करके रखना है पीरियोडिक टेबल, बहुत सवाल बनते हैं इससे। पीरियोडिक टेबल कोई एक मैराथन आप देख लोगे हमारा, इससे भी आप रिफर कर सकते हो 777 वाले से है ना, इसमें सीबीटी बनते कि अभी का आप करना है तो आप CBT 2 के लिए कर रहे हो ठीक है, आप CBT 2 की भी तैयारी करोगे ही करोगे, तो आप जाके यहाँ पर रिफर कर सकते हो। पीरियोडिक टेबल का आपको पूरा जिस्ट पता होना चाहिए, पूरा उसका आपको आकलन करना चाहिए कि कौन से ग्रुप में कौन कौन सा पीरियोडिक टेबल है ना, तो ऐसे आपको पता होना चाहिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या पोजिशन, ये कौन सा पोजिशन है, 18 ग्रुप्स हैं तो कौन कौन से हैं, तो ये सारा चीज आपको पता होना ही चाहिए, बिना इसके आपका कल्याण नहीं होगा ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास एसिड बेसिस और इंडिकेटर्स ठीक है, एसिड बेसिस एंड इंडिकेटर्स, जैसे कि मिथाइल ऑरेंज क्या करता है, फेनोप्थेलिन का क्या बेस है ठीक है, फेनोप्थेलिन का सॉरी क्या पीएच है, किस कलर में बदलता है तो किस कलर में टाइट्रेशन हो जाता है, ऐसी सारी चीजें आपको कवर करके रखनी है। एसिड, इंपॉर्टेंट एसिड्स क्या क्या होते हैं बताओ जी, इसमें इमली में कौन सी, टामरिंड में कौन सी होती है, नींबू में कौन सी होती है, गुआवा में कौन सी होती है, टमाटर में कौन सी होती है, तो ये सारी चीजें आपको पता रखनी चाहिए। इसके बाद आते हैं कि जैसे कि आइसोटोप्स वगैरह जो आप पढ़ते हो ना, आइसोटोप्स हो गया, आइसोबार्स हो गए है ना, इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये सब एग्जाम में भूल कर भी मत जाना आप लोग ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ कुछ का मेडिसिनल यूज, जैसे कि मेडिसिनल यूज हो गया और आर्टिफिशियल यूजेस एंड आर्टिफिशियल स्वीटनर है ना, आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल स्वीटनर, जैसे कि एलिटेम, स्पार्टेम, सुक्रलोज, सैक्रीन सुक्रलोज, तो ये आपको कवर करके रखना है। आर्टिफिशियल किसका कौन सा लेवल होता है, इसके बाद अभी एक चीज याद आया था कि पीरियोडिक टेबल हो गया, एसिड बेसिस हो गया, एंड इसके बाद आपका जैसे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जैसे कि बताओ जी कि कैल्शियम इसका वाशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, वाशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है, बेकिंग सोडा का क्या होता है ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें ना आपको पता होनी चाहिए ठीक है। तो ये सारा चीज आपको कवर करके रखना है। आते हैं आप बायोलॉजी पे, बायोलॉजी में ज्यादा दिक्कत होती है, सभी को दिक्कत होती है, तो बायोलॉजी को आपको डिटेल में बहुत पढ़ना है। आप जाके हमारे लेक्चर्स अगर नहीं समझ में आ रहे तो आप बिना टाइम पास किए आप लेक्चर जाके हमारा रिफर करो और वहां पे जाके करो। देखिए इसमें अगर बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो बायोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन बहुत ज्यादा ठीक है, एंड उसके बाद आपका आपके वेरियस साइंटिस्ट और उनका जो भी थ्योरीज रहे हैं, वेरियस थ्योरीज कह लो, चार्ल्स डार्विन हो गई ठीक है, तो ये आप वहां पे जाके रिफर कर सकते हो ठीक है। एंड स्पीशीज बाइफरकेशन आपको पता होना चाहिए कि वो सारी चीजें आपको किस में आता है, कौन से ग्रुप में आता है ठीक है, तो स्पीशीज बाइफरकेशन आपको पता होना चाहिए, ऑर्थ्रोपोडा किस में आता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, स्पीशीज बाइफरकेशन हो गया, डिजीजेस कौन सा डिजीज किससे होता है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑफ प्लांट एंड एनिमल ठीक है, सेल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स
ठीक है, तो इसका पूरा एकदम बढ़िया से किसमें सेल वॉल नहीं होता है, किसमें सेल वॉल होता है ना, ये सारा एनालिसिस आपको करके रखना है। एंड आई होप कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, एंड बिना किसी दिक्कत के आप लोग इसमें पढ़ो, और ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करके रखना है ना, इसको आप छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है। एंड कुछ भी दिक्कत आए तो मैं हूँ यहाँ पे, आप जाके रेफर कर सकते हो। एंड हमारे 777 के कोर्स में जाके अगर आपको कोई लेक्चर लगे कि मिस आउट हो रहा है, और आई होप कि आप लोग रीजनिंग भी तो रोज आपको देना है, रीजनिंग वगैरह ना, रीजनिंग वगैरह भी आप रोज प्रैक्टिस करोगे एवरी डे फ्रॉम एनी काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज। किसी का टेस्ट लगा दो, जैसे एसएससी जेई का, सेंट्रल लेवल पे हमारे पास तो जो सेंट्रल लेवल मैच करते हैं तो एसएससी जेई है ना, जेई लेवल के, ठीक है। तो आप वहां पर जाके रीजनिंग वगैरह तो रोज ही लगाओ, अभी तो रोज ही लगाओ है ना, उसके बाद अभी देखेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। मार्क्स वैसे चिंता मत करो, देखो कि कैसे हम मार्क्स बस इनहेंस करें रीजनिंग में, बिकॉज अभी मैं क्या करूंगा ना, एक सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे 80 नंबर लाया जाए, तो उस पे हम एक वीडियो बनाएंगे कि कैसे हाउ टू अचीव बाय टू हाउ टू गेट एट 80 नंबर। तो आप वहां पे जाके रेफर कर सकते हो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हेलो देयर एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। और बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक्स, वी विल बी डिस्कसिंग सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स विद यू ऑल गाइज। हमारे पास आरआरबी जेई का CBT 1 प्लस CBT 2 आप देख सकते हो स्क्रीन पे 777 का है ना। जो भी अगर आपको टेक्निकल का सारे सब्जेक्ट्स एंड आपके एप्टीट्यूड हो गए, रीजनिंग हो गए, जो भी आपके जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस हो गए, उनका सारा डिटेल लेक्चर इस कोर्स में है और बहुत ही चीप प्राइस में है। जो लोग CBT 1 की तैयारी करना चाहते हैं, केवल जिनका टेक्निकल हो रखा है, ठीक है, जैसे आपका टेक्निकल हो रखा है, आपने पहले से तैयारी कर रखी है, तो उसके लिए आपको ऐसे थोड़ी है ना कि आप फिर से CBT 2 का ही पैसा दो। तो आप CBT 1 में आप जाके इनरोल हो सकते हो, 499 का ही है, इसमें GST इंक्लूसिव है, ठीक है। 499 और 777 के अलावा आपको कुछ भी पैसे नहीं खर्च करने हैं, और काफी उम्दा कोर्स है, काफी बच्चे लेकर इससे लाभान्वित हैं। और आपको भी ये काम करना चाहिए कि अगर आप आरआरबी जेई के लिए सच में बहुत सीरियस हो, तो देखिए 22 लाख फॉर्म भरे गए, ठीक है, 22 से 23 लाख ऐसा कुछ डेटा है। अगर 23 लाख में क्या सभी सीरियस हैं? नहीं, सभी सीरियस नहीं है। सीरियस वो है जो एक डेडिकेटेड कोर्स के साथ ही पढ़ाई करेगा, और एक कोई एक से अच्छी कोचिंग के साथ नाम जोड़ेगा, और उसके बाद या फिर खुद से ही सेल्फ स्टडी एट सिलेक्टेड, और एक जो होता नहीं है स्टैंडर्ड सेट ऑफ लेक्चर्स देखेगा या स्टैंडर्ड सेट ऑफ नोट्स से पढ़ेगा, तो सिलेक्शन वहीं से होता है। ये YouTube में इधर उधर बफर करने से, इधर उधर जंप आउट करने से कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा, इस बात को आप लोग जानते होंगे अच्छे से, और नहीं जानते तो समझ लीजिए। तो CBT 2 में हमारे पास सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है ना, सारा सारा सब्जेक्ट का बहुत ब्रीफली कवर्ड है, बहुत सारे लेक्चर्स हैं आपको जो देखना। हमारे पास दो सेक्शन है, एक प्रेफर्ड सेक्शन है, एक सेकेंड ऑप्शन है। तो प्रेफर्ड सेक्शन में ऐसा है कि हमारे पास जो बच्चों को ज्यादा प्रेफर्ड है, जो बच्चों को ज्यादा समझ में आया, वैसे भी लेक्चर्स हैं, और कुछ जो सेकंड ऑप्शन है वो भी प्रेफर कर सकते हैं। रीजनिंग की सारी डिटेल क्लास अवेलेबल है हमारे पास, और समय समय पर करंट अफेयर्स भी हम अपडेट करते रहे, ठीक है। तो अभी 7900 पोस्ट है, आई होप कि ये 3000 पोस्ट और बढ़ने वाली है जहां तक मेरी खबर है, तो इस चीज को अकाउंट करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास GATE 2025 का भी एक काफी अच्छा कोर्स है, GATE 2026 का भी आप देख सकते हो, 444 का कोर्स है, और GATE 2027 का भी कोर्स है, 666। GATE 2025 का हमारे पास 2222 में है। तो जो बच्चे अगर बहुत ही चीप प्राइस में और बहुत ही अच्छे से तैयारी, बहुत ही क्वालिटेटिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो गेट अकेडमी के साथ आप ये कोर्स एनरोल करें और अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छी धार दें। एंड आई होप कि अगले साल आप अच्छे से एक सिलेक्शन लेके आए, और 2025 आपके लिए सफलता का वर्ष, और 2024 जो लोग एसएससी जेई CBT 2 का दे रहे होंगे, तो उनके लिए 2024 के एंड तक रिजल्ट आने की पूरी पूरी संभावना है। तो GATE 2027, और इसके साथ एक बहुत जरूरी सूचना आप सबके लिए कि गेट फ्री स्मार्ट कोर्स एंड डोपामिन कोर्स विद गेट 2026 एंड 2027 वाले कोर्स, मतलब ये 444 कोर्स के साथ और 666 कोर्स के साथ स्मार्ट कोर्स और डोपामीन कोर्स दोनों ही अवेलेबल, पूरे मुफ्त है, ठीक है। तो आप इसको जाके एनरोल कर सकते हो, आप जाके हमारे ऐप बाय आउट कर सकते हो, ऐप चेक कर सकते हो, वहां पे आप जाके देख सकते हो, इवन यू कैन गो टू अवर वेबसाइट, और डिस्क्रिप्शन लिंक में सारा कुछ अवेलेबल है, तो आप जाके रेफर कर सकते हो। इसके साथ ही आरआरबी जेई और एसएससी जेई का 777 में हमारे पास कोर्स अवेलेबल है फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी जेई 2025, राइट।
तो आपको अच्छे से आप तैयारी करो, बहुत अच्छा समय है वैकेंसी का, है ना, आपको हर चीज आने वाली है। कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग 777 रुपीज में, अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट हैं, ठीक है, अगर आप फाइनल ईयर कैंडिडेट हो एंड आपको करनी है कैंपस की तैयारी, कंपनी आ रही होंगी, कुछ प्राइवेट कंपनीज आ रही होंगी या फिर कोई भी कंपनी आ रही होंगी, ठीक है, तो आप जाके इवन एमटेक वाले भी कुछ लोग एनरोल हो सकते हैं इसमें। एमटेक वाले को ये सब जो एमटेक कर रहे होंगे और उनके पास अगर कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग करना होने, क्या क्या कैसे कैसे चीजें प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, क्या क्या चीजें बोलनी होती है, तो ये सारा चीज इस कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग में है, मात्र 777 रुपीज में। ऑल स्टेट AENJEE इस साल और अगले साल AE और JEE वैकेंसी की बहुत भरमार है, एंड यू आर वेरी लकी टू हैव इन दिस ईयर। समझे, बहुत लकी है आपकी, आपके सामने ये वैकेंसी आ रही है। अदरवाइज अभी तो 2-3 सालों से कोविड आया और ये सब आया तो ज्यादा वैकेंसी कुछ आई नहीं, बट अब देखिए RPSC AE हमारे पास, UPSC AE की भी खबर आ रही है कि सितंबर अक्टूबर में आ जाएगा, ठीक है, एंड उसके बाद अभी MBPSC AE की बात हो रही है, BPSC AE का कुछ प्राइवेटाइजेशन वाला कल्चर चल रहा है, बट आई होप कि उसका भी निर्णय हो जाएगा कि मे बी सरकार कुछ डिसीजन ले इंजीनियरों के पक्ष में, तो ये सब सारा चीज आप लोग देख सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट का AE का वैकेंसी बहुत ज्यादा प्रीसियस, और मतलब डायरेक्ट आपको SDO की पोस्ट मिलती है, जो रोले वाली जॉब होती है, तो वो बहुत जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तभी तैयारी करेंगे, तो समझ लीजिए कि ऐसे लोगों का कभी सिलेक्शन नहीं होता है, इतना तो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है कि जैसे वैकेंट नोटिफिकेशन आएगा और वैसे ही तैयारी करेंगे, तो नो एज, आपको कोई एज नहीं मिलता है, ठीक है, एंड आप बहुत परेशान हो जाओगे, 3 महीने में एग्जाम ले लेगा सरकार का चीजें हैं निर्धारण, उनका अलग तरीके से होता है, तो आप जानते होंगे सबकी, 3 महीना लेगा कभी एग्जाम, कभी अभी अभी बीपीएससी यही वाला आया, आई थिंक जुलाई में आया, सितंबर में एग्जाम ले रहा था, अब मान लीजिए सितंबर में एग्जाम ले लेता, मे बी अभी तो नवम्बर में पोस्टपोन कर दिया, ठीक है, अगर नवम्बर में पोस्टपोन कर दिया, नहीं करता तो सितंबर में ही होता, और अगर नोटिफिकेशन के चक्कर में बैठे रहते तब तो फिर भाई फॉर्म तो भर नहीं पाते ना, तो दिस इज द इशू, दीज आर द थिंग्स, ठीक है, तो आप इसको अकाउंट करके रखो, एक समझदार आदमी हर चीज पहले से तैयार करके रखता है, ठीक है। स्मार्ट कोर्स एंड डोपामिन 555 कॉम्बो हमारे पास 999 में अवेलेबल है, ESE नॉन टेक का 777 में। ESE नॉन टेक में क्या है कि अभी जो लोग तैयारी कर रहे हैं काफी अच्छे समय नॉन टेक में अब हाथ लगाने का, ठीक है, अभी समय कुछ नहीं गया है, एंड जो भी कर रहे होंगे एंड कर रहे हैं, मतलब नॉन टेक तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए 2-3 महीने पहले, ठीक है, अगर नॉन टेक को आप धार देना चाहते हैं, कई चीजें नहीं समझ आती, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, मटेरियल साइंस हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, तो ये सारा चीज अगर आपको रिवाइज करना है तो इतने सस्ते कॉम्बो में एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा, आप वीडियो 1.5x और 2x में देखोगे तो सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, काफी अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो हमारे पास अवेलेबल है ना, अगर आपको सब्जेक्ट वाइज कुछ सब्जेक्ट्स आपने कर रखे हैं, सॉइल कर रखा है, आपने FM कर रखा है, देन व्हाट इज द नीड ऑफ बाइंग फॉर परचेजिंग द कोर्स फॉर सॉइल एंड FM, इजंट इट लॉजिकल, है ना, तो इसी के लिए सब्जेक्ट वाइज कॉम्बो भी हमारे पास अवेलेबल है। आप जाइए हमारे वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर बात करिए, नहीं तो वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, वहां पे आपको सारा चीज पता चलेगा। चलिए आइए देखते हैं आगे आपके पास और क्या क्या है, ठीक है, आप देख सकते हो गेट अकेडमी आपके लिए क्या क्या कर रहा है, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, डिटेल्स है ना, फॉर ये फॉर 2025 के लिए, अब तो गेट में टेस्ट सीरीज लगाने का समय है, अभी नहीं लगाओगे तो कब लगाओगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है बेसिक लेवल, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है एडवांस लेवल, मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, हर एक टेस्ट को गेट में, गेट एग्जाम को अगर आपको अच्छे रैंक के साथ निकालना है, अच्छे IIT से MTech करना है, अच्छे NIT से MTech करना है, तो आपको आपकी प्रिपरेशन को आपको टेस्ट से देना होगा, बिना टेस्ट दिए ये बात आप जान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इस बात को आप बहुत अच्छे समझिए कि बिना गेट बिना टेस्ट सीरीज में हाथ लगाए और 3-4 कोचिंग से, एक कोचिंग का क्या होता है, अगर आप एक ही कोचिंग का लोगे तो उसमें पैटर्न एक ही रहता है उन सबका, कि वो लोग एक बड़े चंक से क्वेश्चन लेते हैं और वहीं से वो लोग करते हैं, ऐसे ही आपको 3-4 कोचिंग का टेस्ट सीरीज लेना चाहिए बच्चों, ठीक है, बिना आपको वैरिड एक्सपीरियंस होने बिना नहीं होगा तो आप कैसे हैंडल करोगे, तो वो सब सारा चीज आपको ये टेस्ट सीरीज ही एज देगी, तो बिना टेस्ट सीरीज के तो आप बैठ के अगर जाओ, अगर बैठोगे एग्जाम में तो आई डोंट थिंक दैट, सॉरी टू से बट आई डोंट थिंक दैट कि आप रैंक ले आ पाओगे, अच्छी क्वालिफाइंग नंबर आ सकते हैं बट रैंक अच्छी तभी आएगी जब 3-4 टेस्ट से गो थ्रू हो, राइट, तो ये सब आपको अकाउंट करना है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बेसिक लेवल 10 टेस्ट है, आप देख सकते हो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट एडवांस लेवल 10 टेस्ट है,
मल्टीपल सब्जेक्ट टेस्ट है, 10 टेस्ट है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, 100 टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट 100 टेस्ट, प्लीज नोट इट। फुल लेंथ मॉक गेट पूरा है 10 टेस्ट, है ना, तो इसको आप अकाउंट करके रखो। इसके साथ गेट सिविल की PYQ की ईबुक भी अवेलेबल है हमारे पास, तो प्राइस है 222 में, ठीक है, और प्लस GST इसमें अलग से, गूगल ईबुक का डिस्क्रिप्शन लिंक में है। तो इसमें आप देख सकते हो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, RCC एंड स्ट्रक्चर एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जनरल एप्टीट्यूड, डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है इस PYQ की वॉल्यूम बुक में, ठीक है। और आप देख सकते हो कि 38 ईयर्स का, ये बहुत बड़ी बात है, नॉर्मली इसको लोग प्रोवाइड नहीं करते। 38 ईयर्स का जो ये यहाँ पे है ना चंक, ये बहुत जरूरी है कि आपको वैलिड एक्सपीरियंस से गो थ्रू होना पड़ेगा। बिकॉज आप, मैं मानता हूं कि अगर आप टेस्ट सीरीज लगाओगे और PYQ लगाओगे, आप अगर आप उसको, मतलब क्या कहूंगा मैं, रटना तो नहीं चाहिए, बट इतना आप गो थ्रू हो जाओगे अगर कि आप टेस्ट सीरीज और PYQ अच्छे से कर रहे हो, तो आपके 50 नंबर तो कहीं नहीं गए। अगर आप केवल PYQ कर रहे हो ढंग से एंड यू आर मगिंग अप ऑल द फॉर्मूलाज, देन 30 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए, ठीक है। तो इसको भी एक आप अकाउंट करके रख सकते हो। गेट सिविल PYQ वॉल्यूम 2 है ना, तो यहाँ भी 38 ईयर्स का है, इसकी भी प्राइस 222 है। इसमें क्या क्या है वॉल्यूम 2 में, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, फ्लूड मैकेनिक्स है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, इरीगेशन इंजीनियरिंग है। तो ये सारा चीज़ है, आप देख सकते हो कि 800 पेजेस में लगभग अवेलेबल है। तो कहने का मतलब यही है कि काफी अच्छा सब डिजाइन है, 38 ईयर्स में टॉपिक वाइज सब कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हो टॉपिक वाइज प्रीवियस 38 ईयर्स। तो यू कांट इसको टेक आप लाइटली नहीं ले सकते, काफी क्वालिटेटिव कंटेंट है। इसी के साथ जनरल एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स से क्या कहा जाए बच्चों, अगर आप न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एप्टीट्यूड, ये सारी चीज कर रहे हैं एंड इसके साथ आप मैथमेटिक्स भी कर रहे हो साथ में, तो 30 नंबर तो आपका कहीं नहीं गए। एक तो PYQ लगा लोगे, और केवल PYQ अगर लगा रहे हो तो 30, अगर मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड प्लस सिविल इंजीनियरिंग का ये जो 2 PYQ लगा लिए, तो हमको नहीं लगता कि 45 नंबर आपके कहीं गए हैं। मैं एकदम रॉ फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है, काफी तैयारी किया हूँ मैं भी, और तो मैं जानता हूँ कि इसमें क्या क्या चीजें होती है, अगर आप इतना कर रहे हो तो बहुत है। तो ठीक है, फिर चलिए बढ़ते हैं आगे के सेशन की ओर।